स्पष्टीकरण देने की लड़ खुद नहीं ना दिता एम एल ए अमृतपाल ने मेरे गलने हथ पा के पहला तो जी रील से शूट कर रहे थे क्योंकि एक प्रॉपर वीडियो का एक 22 मिनट की इंटरव्यू का एक छोटा जहा पार्ट से 28-30 सेकंड पहला तो रील डिलीट करवाई चपेड़े मार दे उस तो बाद आपके पीए को भेज के उन्होंने कहा ये तो पक्ष लवाओ ये स्पष्टीकरण दवाओ उन्होंने जो जो क्या बोलिया मैं उही उही चीज़ मतलब रिपीट की उही चीज़ रील के पाई है और उस रील के साफ साफ देख सकोगे मेरे इस साइड के उत्ते सूरज है लाल है इतों ब्लड निकल रहा है इतों गलों के ब्लड निकल रहा है। खबर लेने मोगा तो जिथे बीते दिन एक खबर लगाउन दे मसले विच हलका बाबा पुराणा दे विधायक अमृतपाल सिंह सुखा आनंद वल्लों निजी चैनल पंजाब लोकल टीवी पत्रकार गगन लिखारी दी कुटमार करन दा मामला लगातार भखदा जा रहा है। अज श्रोमणी अकाली दल दे जिला प्रधान जथेदार हलका विधायक ते वरदिया कहा कि विधायक आपदा समा भुल गए जदों खुद यह अकाली दल बदनाम करने लई सोशल मीडिया का सहारा लैके झूठियां मुठियां खबरां पत्रकार ਲਵਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਸਨ ਪਰ ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਉਲਟ ਸੱਚੀ ਖਬਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਪੱਤਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ ਝੂਠੇ ਪਰਚੇ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕਰਕੇ ਜਲੀਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਸ਼ਰੇਆਮ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਘਾਣ ਹੈ ਇਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਬਾਗਾ ਪੁਰਾਣਾ ਤੋਂ ਵਿਧਾਇਕ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਸੁਖਾਨੰਦ ਖਿਲਾਫ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅੱਜ ਵੱਖ ਵੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਹਲਕਾ ਬਾਗਾ ਪੁਰਾਣਾ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਖਿਲਾਫ डीएसपी बागा पुराणा नूं लिखती दरखास्त दे के इंसाफ दी मंग कीती है। इस मौके पत्रकार गगन लिखारी ने कहा कि हलका बागा पुराणा तो विधायक अमृतपाल सुख ने उस नूं अपने घर बुला के अपने नाल मिल के मेरी बुरी तरह कुटमार कीती है ते 20 तो 25 थप्पड़ मेरे मारे ने। उन्हें कहा कि मैं हमेशा ही सच दे खिलाफ बोलदा रहा हाँ जो अज हलका विधायक नूं बर्दाश्त नहीं हो रहा। इस मौके गगन ने होर की कहा आओ सुनदे आ पूरी खबर। गगन पे थोड़ा रात जरा स्पष्टीकरण आया जो उस तो बाद चैनल के उत्ते लोकल पंजाब टीवी के उत्ते फिर स्पष्टीकरण तुम्हें क्यों देने की लड़ पै गई भाई जी स्पष्टीकरण देने की लड़ खुद नहीं ना दिता एम एल ए अमृतपाल ने मेरे गलने हथ पा के पहला तो जी रील से शूट कर रहे थे क्योंकि एक प्रॉपर वीडियो का एक 22-23 मिनट की इंटरव्यू का एक छोटा जहा पार्ट से 28-30 सेकंड का पहले तो वह रील डिलीट करवाई चपेड़े मारते हुए उस तो बाद आपके पीए को भेज के उन्होंने कहा ये तो पक्ष लवाओ ये स्पष्टीकरण दवाओ उन्होंने जो जो क्या बोलिया मैं उही उही चीज़ मतलब रिपीट की उही उही चीज़ उस रील के पाई है और उस रील के साफ साफ देख सकोगे मेरे इस साइड के उत्ते सूरज है लाल है इतों ब्लड निकल रहा है इतों गलों के ब्लड निकल रहे मतलब साफ देख रहा कि बंदे को कुट के वाल वूल खिल रहे हुए हैं भाई वो हाल तो उतों साफ पता लगता है और रील मेरे को हैगी है मैं थोड़े ना साझी कर दूंगा तुम इस वीडियो ऐड कर सकते हो जी। तो एक दूसरी गल उ पता लगा कि ना उत्थे गनमैन भी उत्थे सीगे कमांडो के नौजवान भी उत्थे सीगे पार्टी वर्कर भी उत्थे वड्डी गिणती सीगे किसी ने छड़ाउण दी कोशिश नहीं की भाई जी सारे हूटिंग वाले सी जिन्ने पार्टी वर्कर सी गनमैन सी सब ने हूटिंग की है ना बोलो इनू भैन माफ़ी मांग ओए एम एल ए पैरों च बह तू माफ़ी मांग तू ये गोडी हथ ला तू ये पैरी हथ ला तू माफ़ी मांग तू मतलब सुनी नहीं ना एक भीड़ होंगी है जिमें कह दें भगत भेडा एक भीड़ होंगी ना भगतों की वह भीड़ सी जिन्हों कोई मतलब नहीं भी बंदा सच्चा है बंदा झूठा है उन्होंने तो जो उन्होंने हाकों ने कहता बस उस चीज़ में मनना है उस चीज़ के मगर होरल 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 होर करते जो कहता वो मन लिया बस कल किसी ने सोचने की विचार की कोशिश नहीं की लै मैं कहना उन्होंने जिन्ने 60 बंदे बैठे थे एम एल ए तो बिना किसी ने रील भी नहीं देखी होनी की सी किसी ने बिच सुना ही नहीं की सी। सब तो वड्डी गल तां कि कल जिहड़ी बहुत मंदभागी घटना हुई है एक एम एल ए ने सरदार अमृतपाल सिंह सुखानंद ने जो गगन लिखारी पंजाब लोकल टीवी का जिहड़ा एंकर है उहदे ते जिहड़ा हमला किया उहदे नाल कुटमार की इस गल करके की कि मेरी कोई वीडियो तुसी इंटरव्यू किसी की लैके मेरे खिलाफ़ पाई ये मैं समझदा कि बहुत ਕਟਿਆ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਆਮ ਹੀ ਪੱਤਰਕਾਰ ਆ ਜਿਹੜੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਭਾਈਚਾਰਾ ਹਰੇਕ ਦੀ ਖਬਰ ਆ ਹਰੇਕ ਦੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਦੇ ਹੱਕ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਚੱਲਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਚੱਲਦੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਕੂੜ ਪ੍ਰਚਾਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਝੂਠਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਦੋਂ ਕਿਸੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਕੋਈ ਪਰਚਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕੋਈ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਰਕਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਪਰਚਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਕਿਸੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਪਰਚਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਝੂਠੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਬੜੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਪਰ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਹੁੰਦੀ ਵੀ ਉਹ ਸੱਚੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੜੀ ਪੀੜ ਲੱਗਦੀ ਹੈ
कल 1:30 बजे ओदे दसण दे मुताबक कि टैलीफोन आया मैनू किसी पीए दा कि MLA साहब ने बुलाया। उस तो बाद वो गया मर कमेटी के दफ्तर, उत्थे मेल ना होया MLA साहब के नाल, उदू बाद वो कचहरी चला गया। दोबारा फिर किसी पीए का फोन आता कि तैनू MLA साहब ने दफ्तर के बुलाया नहरू मंडी के, उत्थे उदे पत्रकार दे दसण दे मुताबक कि 50-60 उत्थे मुंडे बैठे सी नौजवान। उत्थे MLA साहब कोले जो गए पुछया कि MLA साहब दसो मैनू बुलाया सी, गगन दे दसण मुताबक है कि 65-60 मेरे गलमे नू MLA साहब ने हथ पा लिया। तो नाल उहदा इक पीए आ सोनी जिहड़ा पहला फोन करके जिन्हें बुलाया सी उन्हें एक पासों गलमा फड़ लिया, तो 20-25 लफड़ा जेडे MLA साहब ने आप उदे मारे, तो उन्हूं कहा कि गलती मान थले बिठा छड़िया। 3:30 बजे का वह गया तो 4:45 बजे उन्हूं दफ्तर के विचों छड़िया, कहा कि जो मर्जी कर ला, धरना देना धरना दे ला, जो मर्जी कर ला। ये बहुत घटिया तो मंदभागी गल है कि एक MLA हल्के की वार्ड होंदा, जे उही MLA लोगों की दिती हुई ताकत, लोगों का चुनिया होया नुमाइंदा, इस तरह किसी भी आम बंदे नाल आम व्यक्ति दे नाल इहो जी घटना करदा, आप लफड़ मारदा, आप गलमा फड़दा, उहदा पीए फड़दा, तो इस तो माड़ी गल नहीं हो सकती। घटिया हरकत है, इहनू मैं समझूंगा, जिन्नी भी इहदी निखेधी होवे, जिन्नी भी निंदिया होवे, वह थोड़ी है। मोगा तो सरबजीत रौली की रिपोर्ट।